हाँ, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं पीछे से आगे क्यों आया हूँ, इसका भी एक कारण है। तो आप एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पे चले जाइए और वो देख लीजिए कारण क्या है। मैं इसको क्या चैलेंज देने वाला हूँ, तो वो चैलेंज इसका है, इसका चैलेंज है कि ये मेरे को कब से बोल रहा था कि भैया मैं भी ब्लॉग स्टार्ट करूँ। तो मैंने इसको बोला कि यार कर लेना स्टार्ट, यार क्या है। तो इसने बोला कि नहीं भैया, पहले लोगो बनाओ फिर स्टार्ट करूँगा। तब लोगो बना दिया मैंने इसका। तब इसका ये चैलेंज है कि इसको 5 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो बनानी है, ब्लॉग बनाना है इसका और अपलोड करना है। सर जी अपलोड करिएगा आप, ठीक है ना भावेश? हाँ, कारण देख लिया आपने। तो सूर्यभान भैया ने हमको दिया चैलेंज। तो आज है 23 मई गुरुवार, तो निकल रहे हैं अभी। मैं जा रहा हूँ गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो है चिरवा से अंदर 3-4 किलोमीटर अंदर की साइड में है। आपको गाड़ी भी दिखाता हूँ। और अभी वैसे बाहर से मतलब करूँगा नहीं, सेलिब्रेशन मॉल से आगे से ही स्टार्ट करूँ, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि ना उससे पहले तो सब रोड भी ख़राब है और पेट्रोल भी भराना है। इधर मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है? पीछे वाला पार्ट में इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि ये ऐसे गड्ढे थे, इस वजह से मैंने पीछे की साइड में व्लॉगिंग चालू नहीं की। और टाइम हो चुका है अभी 5। ये चिरवा जा रहा है रास्ता, और अपन को चिरवा ही जाना है, चिरवा टनल के आगे। तो टनल पे पहुंच चुके हैं। टनल से पहले अपन को रुकना है टाइम लैप्स के लिए, और फिर चलेंगे आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं कहीं साइड में लगाते हैं। हाँ, तो अपन सब जैसे बातचीत कर रहे थे इसके जरिए आप रोड का देख पा रहे थे, तो बेस्ट है। ऐसे कि हम लगाया है और शूट हो रहा है 200D से, बेस्ट है जो कि। और अब अपन चलेंगे उधर की साइड में, तो अपन टाइम लैप्स लेंगे। तो अब चलते हैं। आपको यहाँ पे रुकने का मेन मकसद ये था, मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम लैप्स को शूट करते हैं, आप मिले जाके टाइम लैप्स देख लीजिए। ये वाला जो रूट जा रहा है ना उधर, तो अपने पास जैसा कि आप देख सकते हैं वो नहीं है मिरर्स, तो अपन को रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे पीछे की साइड में, सेफ्टी करनी पड़ेगी। और ये जाएगा चिरवा।
लेह लद्दाख की याद दिला देगी आपको। अगर कोई गया हो तो बताना कमेंट में, मैं तो नहीं गया हूँ। प्लानिंग चलेगी क्योंकि हर व्लॉगर को लेह लद्दाख करना तो ज़रूरी ही है, और मैं ये फर्स्ट वीडियो में ही कह रहा हूँ। और कोई व्लॉगर ऐसा नहीं होगा जिसको माउंटेन्स पसंद नहीं हो, जिसको बीच पसंद नहीं हो, और जिसको माउंटेन्स पसंद है वो भाई साहब वो तो मनाली जाते ही जाते हैं। लेह लद्दाख वाला सर्किट आजकल तो बाइकर्स तो यूँ मान लो कि आधे से ज़्यादा तो टूरिज्म बाइकर्स वालों ने बढ़ा दिया है। लोकेशन भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छी है। तो मैंने जी मेटिक शॉट बना है तो आप वो देख लो। भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे वो शंकर नाथ रे, वो मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे वो शंकर। सेट होने वाला ही है, ये व्लॉग में आना चाहता था, हाय कर दो। और उधर भी बैठा हुआ है, तू भी हाय कर दे। हाय। हाँ तो अब सनसेट होने वाला ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सनसेट का अच्छा सा एकदम A1 वाला आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए, सही सुना है आपने, आपके लिए ही टाइमलेस बनाया जाए। तो मैं जाने वाला हूँ उसी लोकेशन पे, लोकेशन मुझे मिल चुकी है। हनुमान जी का मंदिर, हाँ तो टाइम लैप्स हो चुका है। Thank you.
मंदिर में आया और ये नहीं लगाया, प्रसाद तो खा के हो गया। तो अभिषेक चालू होने वाला है, तो अभिषेक की तरफ अपन चलते हैं और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। चलते अपन, और लाइटिंग तो यहाँ पे धीमी, एक तो इधर मोबाइल हो रही है कि इधर मोबाइल लगा के लाइटिंग की है, तो थोड़ा सा और तो भी कम लग रही है, लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा आपको, तो थोड़ा एडजस्ट तो करो। बच चुके हैं चार, अब तैयार होते हैं। तैयार हो चुका हूँ, तो जैसा देख सकते हो आप धूप अभी भी बहुत है, तो सोच रहा हूँ कि स्किन टोन ब्लैक नहीं हो जाए, तो उसकी वजह से शर्ट पहन लेता हूँ। फिर शर्ट पहनने के बाद मिलते हैं डायरेक्ट गाड़ी पे। महादेव जी से निकल चुके हैं, गंगेश्वर महादेव से आ चुके हैं चिरवा के तरफ, और ये राइट की तरफ जो जा रहा है राजसमंद नाथद्वारा एकलिंग जी। तो एकलिंग जी जाने का मूड तो था, लेकिन बहुत ही थकान हो चुकी है। शाम को भी अभिषेक चला था तकरीबन 12 से 1 बजे, फिर उसके बाद सोए, फिर उसके बाद सुबह नहा धो के 9 बजे के करीब वापस अभिषेक में बैठ गए। तो बहुत ही मतलब कि थकावट भरा था, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी आती है, जो यहाँ की वाइब है वो बहुत ही अच्छी थी, इस वजह से अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे भी हवा बहुत चिल्ड है, तब मैंने सोचा था लाइटिंग वाइटिंग अच्छी हो, तो अभी घर पे कुछ दिखाने लायक नहीं। आपने देख लिया होगा लाइटिंग भी थोड़ी कमज़ोर है, और थोड़ा है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो बात धीरे धीरे अच्छा स्टूडियो कर ले पिक्सल ग्राफी स्टूडियो। अब लोग तो यहीं एंड करते हैं, घर पे जाने में टाइम हो जा रहा था, किसी और ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय।